कलरफुल है ना डिस्प्ले, डिस्प्ले अच्छा है। Hey guys, what's up? तो पिछले वाले ब्लॉग को कंटिन्यू करके हम लोग KTM के शोरूम जा रहे थे और हमने अपनी एवेंजर्स चालू करने की कोशिश करी पर ये तो हुई नहीं चालू, और ऊपर से हेलमेट भारी वाला ले लिया था तो हेलमेट चेंज करा है। काफ़ी अच्छा हेलमेट लग रहा है, ये काफ़ी कूल है। और ये हमारी स्प्लेंडर है, कई सालों पुरानी, ये खड़ी नहीं रहती, चलती रहती है, मतलब खड़ी रहती है चलती नहीं रहती अब। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से KTM के शोरूम के लिए, वो भी नोएडा सेक्टर 62 में ही है। लो बारिश शुरू हो गई है, देखो ये देखो। अगर हमें टेस्ट ड्राइव करनी है जल्दी पहुंचना पड़ेगा वरना हम बारिश में भीग जाएंगे, टेस्ट ड्राइव आज की रह जाएगी। अबे तो चले नहीं चले, अबे तेरी तो शायद ये ब्लॉग रोकना पड़ सकता है। अबे बता अब, अभी यहाँ बारिश तेज हो गई है, हम थोड़ी देर वेट करते हैं रुकने का, उसके बाद आपको दिखाएंगे वहाँ पहुँच के, अगर पहुँचे तो। अंदर चलो भाई, अंदर पहुँच चुके हैं हम KTM के शोरूम, वो रहा पीछे KTM का शोरूम, अभी आपको दिखाते चमकती हुई बाइक है, चलो। बहुत ऊंची है ये 250 भी आते हैं ना, को दिखा देता हूँ, सेम ही है 250 में, आगे एलईडी नहीं है और हैलोजन बल्ब है और इसमें एलईडी। क्या कह रहे हो 250 क्या? ओवरऑल जो मतलब पूरी बाइक का जो एक एर्गोनॉमिक्स है बिल्कुल पीछे खड़ी में दिखा देता हूँ। 390 में आपका हैलोजन की जगह एलईडी बल्ब आता है, आपके 250 एडवेंचर में हैलोजन है, समझ गए? वो आपकी रेगुलर वाले में आई है जो एडवेंचर की पहले से जो चलती आ रही है उसका 3,98,700, ठीक है। उसमें उन्होंने दो ऑप्शन दिए, एक वो सामने खड़ी है 800 हाइट वाली और एक नई जो आई है वी, उसमें 835 हाइट है, उसी मॉडल में है वी। मैं आपको पहले आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। चार एडवेंचर 390, एक 250 हो गई, ठीक है। चार 390 है, हाँ चार वर्जन 390 के हैं, हाँ अच्छा। और एक वर्जन है 250 का, तो 250 वाले वर्जन में जो सीट हाइट है वो 855 है, सामने एलईडी हेडलैम्प की जगह हेलोजन हेडलैम्प है जो पीछे खड़ी है, वो अभी आपको दिखाऊंगा। और जो इसमें जो वर्जन है ये बेस वेरिएंट है 390 एडवेंचर का एक्स, जिसका कॉस्टिंग है आपका 3,33,700, और जो इससे ऊपर है वो सीधा रेगुलर है जो वो खड़ी है सामने 3,98,900 नोएडा में। और इसके ठीक सेम सिबलिंग पे है आपका वी, वी में और इसमें बस फर्क इतना है वी की सीट हाइट कम है, इसकी सीट हाइट ज्यादा है। बैक सीट सीट कितनी है? 855, वी के कितनी है? 835, ठीक है, सेम उसके सिबलिंग पे। और जो उससे ऊपर वाली है रैली जो चौथा वेरिएंट है उसमें स्पॉक्स डाल दिया है, एडजस्टेबल क्लचेस दिए हैं, BAUTY बस यही करेक्ट है। और ऐसा कुछ ये राइट बाय वायर का मजे नहीं है, मेरा तो ये जो स्टार्ट से मोड कराऊंगा इसमें मोड नहीं है, मोड हम मोड नहीं है, एबीएस स्विचेबल है, मतलब पीछे वाला एबीएस ऑफ कर सकते हैं। ये इसका पता पावर हो गया, ब्रेकिंग हो गया, वो 390 वाली जो फील होती है वो है, नहीं मतलब किसी का अगर बजट, क्योंकि 2
ट्रैक 86,000 के समथिंग आपको 250 में भी पे करना है, तो उससे तो मच बेटर ये है। मच बेटर में आपको क्या क्या मिल रहा है मैं बता देता हूँ। मच बेटर में आपको LED हेडलैम्प मिल रहा है जो 390 का सिग्नेचर है, राइड बाय वायर मिल रहा है, 43.5 BHP मिल रही है, 37 का टॉर्क मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस बाइक में मिल रही है। आइए पीछे दिखाई देता हूँ। गाइस लेट्स गो वॉच 250। इसका प्राइसिंग जो पड़ रहा है वो 333 के आसपास है बेस मॉडल, और जो मेन मॉडल जाएगा वो 4 लाख का जाएगा। अभी हम 250 देखते हैं। दिस इज 250। अच्छा, मेन डिफरेंस है फिजिकल बूट ये, बाकी जो LCD कंट्रोल है सेम है। कितना वेट है इसका? सेम वेट है, सबका सेम वेट है, 177 kg का वेट है। इसकी हाइट भी सी राइड भी उतनी है? हाइट भी उतनी है, 855। ठीक है, 855 हाइट है इसकी। मैं आपको दिखाऊंगा, ये ना कुछ भी ले लूं मेरे को अगर पावर मिल रहा है, आपको लीनियर इंजन चाहिए, पावर कम से कम ज़्यादा नहीं चाहिए, बैटरी देखो, बैटरी देखो, बी के लिए बी का टाइम है, पर बी देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर कुछ नहीं कर रहे हो और इसलिए कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हो, गाड़ी नहीं कर ये KTM की सबसे अच्छी खासियत ये है कि एडवेंचर में सबसे लाइटवेट है। कैसा है वो सी फीट है, कैसा है लग रहा है पैरर का? ऊंची है, ऊंची आ रही है। पंजे भाई सबकी हाइट थोड़ी कम पड़ रही है। अच्छी लग रही है बाइक, बाइक काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है ना, हिमालय से तो काफ़ी ज़्यादा भरी हुई है यार, हिमालय से ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे देखने में। हिमालय का ना थोड़ा वो बहुत यहाँ से एक वो और यहाँ से बहुत खाली खाली सा है, पर ये बहुत फिनिश्ड लोकेशन लग रही है, थोड़ी हैवी टाइप सा। एक बार वो देख, वो भी देख वहाँ पर जो रेगुलर मॉडल पड़ा है वो देख ज़रा। इसमें फीचर्स दे रखे काफी, ट्रैक्शन कंट्रोल भी ये LED स्क्रीन है ना, कलरफुल है ना डिस्प्ले खड़ी है।
कैसी लगी? बढ़िया है पर थोड़ी हिमालय से थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है। हिमालय से तू चलाएगा ना पता लगेगा। चल एक राउंड मैं ही मारता हूं। एकदम शुरू से डेड से स्टार्ट कर। डेड से स्टार्ट कर। बंद बंद चालू कर। चल थोड़ा थ्रॉटल दे और दे थोड़ा सा गो। TR के 500X अब वो टूटती गया है। रियल साउंड बोल ये कुछ रियल साउंड आया। आवाज तो बढ़िया है। वेरी गुड। स्टार्ट नहीं होगी लेकिन यार बैटरी डाउन है इसकी। हाँ इसी बैटरी डाउन है। बैटरी डाउन है इसकी। इसकी स्पीकर कितनी है? इसकी तो कम होगी।